हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एम जी सेक इंग्लिश क्लासेस। आज हम यूपी बोर्ड का पेपर कैसे हल करना है। जैसे बालक बैठा है बेचारा एक वो कुछ पढ़ा उड़ा है नहीं, तो उसी तरीके से कि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए, या जो पढ़े भी हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते नहीं हैं, तो उसको कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यही हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, रीडिंग वाला जो पोर्शन आएगा सेक्शन ए, सेक्शन ए ये रीडिंग पोर्शन है, इसको हम अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं, अनसीन पैसेज। ठीक, तो आज जो पेपर है ये इसमें अनसीन पैसेज या रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो 15 मार्क्स के हैं, 15 नंबर के आएंगे। ठीक, तो 15 नंबर का आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये मान लीजिए इंटर का है, ठीक है, विद्या है, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज दिख रहा है उसमें, देखो दिख रहा है ना, तो ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है मान लीजिए। तो ये पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज दिया है, क्वेश्चन दिया है, पैसेज क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए इसी पैसेज को ले लें, द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट अ बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। तो ये पैसेज है कि मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको सबसे पहली चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि केवल बुक को अम्यूजमेंट के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए, ठीक है, ऐसे मज़े के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो स्कॉलर्स होते हैं वो उन बुक से कुछ सीखते हैं, न कि केवल मज़े के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रेड फॉर अम्यूजमेंट, किस तरीके के लोग अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन, जो आधे शिक्षित होते हैं, ठीक है। तो अब व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रेड फॉर अम्यूजमेंट क्वेश्चन है, अब उसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। अब व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल, तो अब इसमें लिखा है पैराग्राफ में हाफ एजुकेटेड पीपल, ठीक है, रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, ज्यों का त्यों। अब उस पैराग्राफ में कैसे आंसर ढूंढेंगे, तो जैसे लिखा है मेयर अम्यूजमेंट, ठीक है, तो उसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। क्यों? क्योंकि उनको वैसे ही पढ़ना आता, उनमें उनको कुछ दिखता नहीं, ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटीज स्कॉलर्स के पास होती है वो क्वालिटीज हाफ एजुकेटेड पीपल या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, उनमें वो क्वालिटीज नहीं होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, जो ट्रूली एजुकेटेड पर्सन है वो क्या रीड करता है। अब इसमें पढ़ेंगे तो ट्रूली एजुकेटेड पर्सन क्या रीड करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली अम्यूजमेंट एट वन बिट ऑफ हैबिट डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड। और इसी में आप देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा, ठीक है, पैराग्राफ जो चीज़ पूछा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा कि व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, अब ट्रूली एजुकेटेड पर्सन, ठीक, कहाँ दिख रहा है, जब पढ़ेंगे अब इसमें पैराग्राफ पढ़ेंगे उसी में मिलेगा। तो जिस लाइन में, मान लीजिए जिस लाइन में है वो लाइन सीधे उठा करके क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक, जौने लाइन में उस शब्द आ जाएगा वह सेंटेंस पूरा उठा करके लिख देना, ठीक। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न में जो शब्द रहेगा, अगर वो शब्द दूसरे मतलब पैराग्राफ वाले लाइन में आ जाता है तो उसी को उठा करके हम उस सेंटेंस को लिख देंगे। ये कब करेंगे, जब हमें कुछ नहीं आ रहा है,
अगर हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो शब्द इसमें लिखा है, ठीक, जैसे तीसरा क्वेश्चन में है इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, तो उसके बुरे प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे इल इफेक्ट जहाँ कहीं पे भी लिखा होगा, ठीक है, उस वाले सेंटेंस को पूरा का पूरा उसका वो आंसर कर देंगे। हाँ, जहाँ तीसरे में इल इफेक्ट लिखा है, दूसरे में ट्रूली एजुकेटेड पर्सन लिखा है, और मेयर अम्यूजमेंट या अम्यूजमेंट लिखा है, तो अम्यूजमेंट के लिए कौन पढ़ता है, यहाँ पे लिखा है अम्यूजमेंट, हाफ एजुकेटेड पर्सन रेड फॉर अम्यूजमेंट, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस में हम छाप देंगे तो आंसर हो जाएगा। बसा इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल फूड डिसिप्लिन और इंटरटेनमेंट, इसका मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर नहीं आ रहा है अड़ोस पड़ोस से पूछ करके, अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर पूछने के बाद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी को नहीं आ रहा है, उसे बता देना चाहिए, दो तीन नंबर का ही आए, तीन नंबर का आएगा, तीन तीन एक एक नंबर का, तो नहीं आएगा तो वो चल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आ जाता है, लिख लेते हैं कुछ, तो ठीक है, क्योंकि ये जो तीन क्वेश्चन हैं, चार क्वेश्चन रहेंगे तीन तीन नंबर के, तो चार क्वेश्चन तीन तीन नंबर के रहेंगे, इसे क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का रहेगा, क्वेश्चन आंसर ये चार क्वेश्चन रहेगा और तीन मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 12 नंबर मिल जाएगा, और बचा तीन नंबर जो है एक एक नंबर वाला, मीनिंग वाला, सिनोनिम्स सेंटोनिम्स, ये जो है अड़ोस पड़ोस से पूछ के लिख लेना। ये कब करना है, जब हमें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, कि जो प्रश्न पूछा है अगर उस प्रश्न से संबंधित उसमें दिख गया पैराग्राफ में, तो उसी को छाप करके क्या कर देना है, पूरा का पूरा वो पैराग्राफ वाला सेंटेंस में पूरा लिख देना है, बस। तो ये हो गया अनसीन पैसेज के लिए, ठीक, कब, जब नहीं आएगा तब, और जब आएगा तो उसके लिए तो बाउहल करने का तरीका हम बताए ही हैं पहले। ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं आ रहा है, तत्काल में जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक कदम में पढ़ के 40-50-60 नंबर लाना है तो ऐसे करना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग वाला होता है, राइटिंग वाला पोर्शन होता है 10 नंबर में 20 नंबर में, 10 नंबर का लेटर आता है और 10 नंबर का एसे आता है, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम एक दो लेटर बता दे रहे हैं, ठीक, तो लेटर को ध्यान से देखिएगा आप लोग। लेटर दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर। कितने टाइप का हो गया, तीन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लेटर वाला ही ज़्यादातर आता है, तो दो तरीके से हम उसको लिखेंगे, दो लेटर हम बता दे रहे हैं, और दोनों में से एक तो आना तय ही है, एक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये लेटर तीन प्रकार के हो गए, लेकिन तीनों हमको नहीं पढ़ना है, हमको कौन कौन पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल लेटर पे, कौन सा लेटर, पर्सनल लेटर, दिख रहा है ना इसमें, देखो दिख रहा साहब, पूरा पूछ रहे हैं, दिख रहा है, करा हूँ पर्सनल लेटर, अब पर्सनल लेटर, ठीक। तो बकलोल लड़का बैठा दिए हैं बाबू ने, जाए दो ये हमसे देर तो अपन ये चिल्ला रहा है, पर्सनल लेटर, ठीक। ठीक है, जो भी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मन तो करा पटक दें, हाँ अब साफ हुआ, पटकने से नाम से डरा गया चलो अब देखते हैं पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं। ये 10 वालों के लिए भी हो जाएगा बाबू, 12 वालों के लिए भी हो जाएगा, तो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले हम ये मान लीजिए हमारा पेज है, लेटर हमेशा कभी भी लिखेंगे ना तो लेटर हमेशा नए पेज से लिखेंगे, तो ये नया पेज है और ये हमारा क्या है, लाइनिंग है, पेज में लाइनिंग होता है ना, तो ये पेज की लाइनिंग हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस। तो मान लीजिए हम अपने यहाँ का एड्रेस लिख दे रहे हैं, बांस पार बैजौली टोला छावनी डिस्ट्रिक्ट
महाराजगंज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, 27 33, वो हमको तो अपना 27 34 64 नहीं, गूगल मारो गूगल मारो, हमको हमारा कोड भी नहीं आ रहा, 27 मरबो करेंगे, महाराजगंज का कोड डालो जल्दी से, क्या है, हम रहते हैं बांसी में, बांसी सिद्धार्थ नगर में आता है, सिद्धार्थ नगर का हमको याद है, कहें कि हमेशा वही लिखवाते हैं, 27 23 3 है लास्ट वहाँ में, 27 30 0 महाराजगंज का, ठीक 01 03, हाँ 27 33 03, ठीक ये हो गया एड्रेस, तो एड्रेस लिख दिए, इसी तरीके से अपना एड्रेस लिख देना, सबको अपना अपना याद होगा, बाबू हम हैं दूसरे ज़िला के, रहते दूसरे ज़िला में हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो ये हो गया, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक, ये जो बता रहे हैं हम, इसको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, ठीक, अब एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे, किसको लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए फादर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो डियर फादर, फ्रेंड को लिखेंगे तो डियर फ्रेंड, ठीक, जिसको भी लिखेंगे, फ्रेंड के जगह पे फ्रेंड का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक, तो डियर फादर लिखने के बाद क्या कर दिए, कॉमा कर दिए, अब इसमें लिखेंगे ये पत्र हम किस पर लिख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि पिताजी से कितना लेना है, 2000 रुपया लेना है, ठीक है, ताकि आप बुक्स वगैरह खरीद सको, बुक्स ले सको, ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सको, किस लिए, पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू थ्रू दिस लेटर दैट आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर विथ होल फैमिली मेंबर्स, ठीक दिख रहा है कि नहीं साहब, एकदम साफ दिख रहा है, ठीक, अब ये कभी भी हम पत्र वगैरह लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हालचाल पूछते हैं कि मैं ठीक हूँ, आपको इस पत्र के द्वारा सूचना दे रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार क्या होंगे, ठीक होंगे, ठीक, मुझे देखने पूरा दिख रहा है कि नहीं, अब सही है, ठीक, तो आई आई नहीं, मेरा एग्जाम नज़दीक आ रहा, तुम आई एग्जाम इज कमिंग नियर एंड आई हैव नॉट बॉट स्टडी मटेरियल्स येट, सो आई नीड, जितना पेपर में कहेगा, 2000 कहेगा तो 2000 लिखना है, 3000 कहेगा 3000, 5000 कहेगा तो 5000, आई नीड 2000 आरियस टू बाई माई नोट्स एंड स्टडी
मटेरियल बाय माय बुक्स लिख दिए, ठीक है, टू बाय माय बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स। ठीक, अब एक लाइन छोड़ देंगे इसमें, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर सारा का सारा चीज़ एकदम बाएं साइड से लिखेंगे, एकदम सटा के, कोई भी दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी RS 2000 सो दैट आई मे बाय माई बुक्स नोट्स एंड अदर स्टडी materials to prepare for my upcoming board exam full stop। ठीक है, वैसे लिखे बोर्ड एग्जाम, लास्ट ईयर यू हैड, लास्ट ईयर पिछले वर्ष आई गॉट गुड मार्क्स, पिछले वर्ष मुझे अच्छे नंबर मिले थे, एंड होप दैट आई वुड गेट गुड मार्क्स दिस ईयर ऑल्सो। अब इसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू, अगले लाइन में ही लिखेंगे इसको, और फिर अगले लाइन में लिखेंगे योर्स लविंगली, लड़के हैं तो सन, लड़कियां रहेंगी तो डॉटर, और नाम नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिख देंगे। ठीक, पूरा दिख रहा है ना, हाँ, थैंकिंग यू, उसके बाद क्या कर देंगे, योर लविंगली एक्स वाई जेड। अब इस तरीके से हमको थोड़ा सा दिखाना पड़ रहा है, तो बाकायदा आप लोग से यही उम्मीद है कि इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें अगर कुछ बदलने वाला होगा, जैसे मान लीजिए फादर के जगह पे ब्रदर को कुछ कहना हो, फ्रेंड को कुछ बोलना हो, ठीक, तब क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फ़ोटो वोटो खींच लीजिएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, कुछ लिखने के बाद इसको उसी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अब वीडियो, ये एक टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, और वो रहेगा फुल फी कंसेशन। ये हाई स्कूल वालों के लिए भी है, चाहे टेंथ वाले लिख लें और चाहे ट्वेल्थ वाले, ये दोनों में अगर आ जाएगा, अप्लीकेशन लिखना हो फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी वाला, तो ध्यान से सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद बांसपार बजौली, जैसे ये हम अपना एड्रेस लिखे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, टू कॉमा करके, जैसे पहले क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे टू द प्रिंसिपल, है ना, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिएगा आप लोग, ठीक, ऐसे नहीं, टू के बाद यहाँ द प्रिंसिपल नहीं आता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, क्या करना है, टू लिखने के बाद द भी टू के नीचे ही लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल जी एस वी एस इंटर कॉलेज,
बच्चे कॉलेज का स्पेलिंग COLLAGE लिख देते हैं, वो कॉलेज का स्पेलिंग नहीं होता है, पता नहीं ये लिखते हैं, ये नहीं होता है, क्या होता है COLLEGE। GSBS इंटर कॉलेज, अपने अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, ठीक है, GSBS इंटर कॉलेज महाराजगंज, ठीक। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे विद्यालय का नाम है रतन सेन इंटर कॉलेज, कुछ लोगों का है तिलक इंटर कॉलेज, कुछ लोगों का है सरदार पटेल इंटर कॉलेज, ठीक है, तो जिसका जैसे है उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इसको ऐसे पहले कर दीजिए कि जैसे ये कोड लिखे, कोड लिखने के बाद डेटेड लिख देंगे, डेटेड लिखने के बाद डेट में डेटेड लिखते हैं, डेट नहीं, डेटेड लिखेंगे तो आज कौन सा तारीख है, एक तारीख है कि दो, दो तारीख है ना, तो सेकेंड मार्च, डेट कैसे लिखेंगे 2024, पहले ऐसे डेट लिख देंगे, और डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, और तब लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, GSBS इंटर कॉलेज महाराज, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। पहले एड्रेस कोड हो गया, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर टू द प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद ऐसा इसलिए क्योंकि इंटर वाला जो पेज होता है ना बहुत बड़ा होता है, और इंटर वाला पेज भरना है पूरा, एक नए पेज पर इसको लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे करने के बाद सब्जेक्ट क्या है, फुल फी कंसेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। अब फुल फी कंसेशन के जगह पे कुछ और आ जाए, इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक, फाइव डेज लीव, ठीक है, सिक लीव टू सिक लीव फॉर फाइव डेज, अब जो भी रहेगा, जिस जो पेपर में आएगा, जो प्रश्न में रहेगा कि इस पर पत्र लिखना है, फीस माफी पे कि बीमारी की छुट्टी पे, सिक लीव उसको बोलते हैं, ठीक है, या टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, ठीक है, टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, वो आ जाएगा तो भी लिख देंगे, उसका हम वीडियो पहले ही डाल रखे हैं सिक मदर वाला, ठीक है, तो आप चाहें तो उसको भी देख लें, इससे भी देख लें, बसरते थोड़ा सा पैटर्न अब नए वाले में थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, तो नए वाला हमेशा ये बदलता रहता है इसका पैटर्न, तो पैटर्न ही ध्यान में रखना है, पैटर्न का ही नंबर मिलेगा, लिखने उखने से उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर पैटर्न सही है तो नंबर मिलेगा, पैटर्न गलत हो जाएगा तो नंबर कम हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिख दिए, जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, ठीक, और इसमें यही मेन है, सब्जेक्ट लिखने के बाद ऐसे फुल स्टॉप लगता है, बाकी कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ऊपर कहीं फुल स्टॉप नहीं लगेगा, केवल सब्जेक्ट लिखने पर ही फुल स्टॉप लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे सर, सर जी हैं तो सर जी, मैडम है तो मैडम लिखते हैं, अब एक लाइन छोड़ने के बाद इसको लिखेंगे, अब इसके बाद निचले लाइन से लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते थे सर, और सर के बाद लिखते थे ऐसे टेढ़ा करके विथ ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, तो वो ऐसे टेढ़ा करके नहीं लिखना है, हमको ऐसे सीधा लिखना, उसी के नीचे सारा का सारा सब कुछ क्या है, बाएं साइड में आपका ये लाइन सीधा रहेगा, तो लाइनिंग सीधा रहेगा, तो उसी को सटा करके ही लिखते चले जाना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल एंड, दिख रहा है जी, देख लेना, हाँ दिख तो रहा है साफ साफ, थोड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो होगा नहीं, लेटर बड़ा हो, एप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा, एंड माई फादर इज ए पुअर, अगर फार्मिंग करते हैं तो फार्मर लिख दीजिएगा, दुकानदार हैं तो यहाँ पे शॉपकीपर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फार्मर लिखते हैं, माई फादर इज ए पुअर फार्मर एंड
अच्छा ऐसे फुल स्टॉप कर दीजिए, सो ही इज अनेबल टू पे माई फीस, ही इज अनेबल टू पे माई फीस फुल स्टॉप। आप कहेंगे लास्ट ईयर आई गॉट, ये आई इंजॉयड, लास्ट ईयर आई इंजॉयड फुल फी कंसेशन एंड ऑल्सो, अब ये शॉपकीपर हटा दे रहे हैं, ऑल्सो गॉट गुड मार्क्स। ठीक, पिछले साल हमने फीस माफी का भी आनंद उठाया और अच्छे नंबर भी लाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ कर दीजिए, सो दैट आई मे कंटिन्यू, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई फर्दर माने आगे की, कंटिन्यू माई स्टडीज एंड मेक यू एंड ऑल द टीचर्स, आपको और पूरे टीचर्स को, मेक यू एंड ऑल द टीचर फील proud by getting, कैसे proud करा सकते हैं, by getting good marks in upcoming आने वाले board exams। ठीक, फिर अगले लाइन में लिखेंगे आई सेल बी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो, देखो दिख रहा है कि नहीं, तो खड़ा होकर टेढ़ा करो, बकलोले नियर बैठा है इसको नीचे करो, देखो हिला रहा है, वैसे टेढ़ा करो बाबू, ऐसी दिखा है अब, तो यहाँ तक करना, जब तक लिखेंगे आई सेल बी हाईली obliged to you, ठीक है, thanking you, हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिए, योर ओबेडियंटली यक्स वाई जेड क्लास 12th, बस इतना लिखना रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं बदलना है, केवल और केवल सब्जेक्ट बदलना है आपको। ये किन बच्चों के लिए है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, ये कॉपी कर लेना, ठीक है, केवल सब्जेक्ट बदल देना। अगर पेपर में सिक लीव आ गया तो क्या, उस तो आसान है, सिक लीव वाला आसान है, लेकिन अगर दूसरा चीज़ आ गया, जैसे इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ गया या और कुछ आ गया और हमें कुछ नहीं आता है, तुम ध्यान से सुनना, ठीक, अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है और प्रिंसिपल को पत्र लिखने वाला आ गया तो क्या करना है, जो अगर ये आ गया तब तो ये तो ठीक है, चांदी चांदी हो जाएगा अगर यही आ गया तो, ठीक, और अगर ये नहीं आया, इसके जगह पे क्वेश्चन कुछ और आ गया, तो हम क्या करेंगे, यही चीज बदल देंगे, जो प्रश्न में पूछा है वो यहां लिख देना, बाकी सब छाप देना। इतना लिख दोगे तो इसके लिए भी नंबर मिल जाएगा, ये आधा हो गया, केवल ये बॉडी ही चेंज होता है, बॉडी और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है, ये भी चेंज हो जाता है, केवल सब्जेक्ट ही बदलता है, सब्जेक्ट और बॉडी चेंज हो जाता है, बाकी ये ऊपर और ये जो योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड क्लास 12th ये सब तो सेम ही रहेगा,
ठीक, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना। ये किन बच्चों के लिए बाबू, बदलना ही नहीं, मैंने ये जान लो कि समझ लो ये आया है तुम्हारे पेपर में, ठीक, और पेपर में यही आया, केवल यही चेंज कर देना अगर बदल जाएगा तो। कब? जब तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा तब। अगर तुमको आता है तब तो बढ़िया है, ये तुम बदलो, तरीका यही रहेगा, पूरा लेफ्ट साइड में ही लिखना है, बीच में सब्जेक्ट और बॉडी चेंज कर देना, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है, एकदम बाउंक हो, तो बाउंक के लाइकन के लिए बाबू यही है कि ये चेंज कर देना, बाकी सब छोड़ देना, ये चेंज कर देना, ये प्रश्न वाला लिख देना यहाँ पे, और ये चीज़ें क्या कर देना, सेम का सेम छाप दोगे तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कब? जब नहीं आएगा तब। हम ये बार बार कर, इन्हें कहना सर जी ऐसे कहे थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है एडिटर को लिखने के लिए, तो एडिटर वाला थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्या करना रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ प्रिंसिपल के जगह पे क्या हो जाएगा, एडिटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे एक बार दिखा दो। हाँ, ये यहाँ तक दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे नहीं। हाँ, नहीं तो, यहाँ तक एक बार पूरा ध्यान से देख लेना है, कैसे लिखना है क्या नहीं। ये जो बनाए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइन छोड़ना है, ठीक। लाइन छोड़ेंगे तभी इंटर का पेज भरेगा बाबू, कहे कि बहुत बड़ा होता है, ठीक। हाँ, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें जो बदलने वाला चीज़ है वो यहीं से बदल जाएगा एडिटर के लिए। एक और आता है एडिटर वाला, उसको बता दे रहे हैं, सीधा दिख रहा है ना साहब। तो ये वाली गलती नहीं करना है, टू द प्रिंसिपल, इसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं लिखना है, ठीक है। टू कॉमा द एडिटर ऑफ, मान लीजिए अमर उजाला को, ऑफ अमर उजाला, कहाँ, गोरखपुर कर दें, चाहे महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक। ये हो गए। उसके बाद ये भी इधर से ही रहेगा, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना। हाँ, इसमें टेढ़ा ओढ़ा नहीं करना, एकदम सीध में ही लिखना है, जहाँ पे ये लाइन है लाइन से सटा करके लिखना है, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर महाराज। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ करके क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई फुल स्टॉप, यानी कि पानी के सप्लाई का क्या हो रहा है, निरंतरता में कमी आ रही है, पानी की सप्लाई सही से नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। तो लाइन छोड़ करके क्या करेंगे, सर कॉमा विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू थ्रू दिस लेटर दैट देयर हैज बीन फ्रिक्वेंट, ये तो राइट है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी एंड आई हैव कंप्लेंड अबाउट इट, इसके बारे में कंप्लेन किया था मेनी टाइम्स, बहुत बार, किसको, बट द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, लेकिन बट द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज डिड नॉट टेक एनी एक्शंस, उन्होंने कोई कार
कोई कार्रवाई नहीं करी, तब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ दिए, देयर फोर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दिस कंप्लेंट लेटर इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर के कॉलम में आप इसको इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट दे मे टेक सम एक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। टेढ़ा करो, दिख रहा है, खड़े हो जाओ बाबू। वाटर सप्लाई दिख रहा है अभी, वाटर सप्लाई फुल स्टॉप। आई सेल बी, अगले लाइन में फुल स्टॉप जैसे करेंगे, अगले लाइन में लिखेंगे आई सेल बी हाईली, फुल स्टॉप ऐसे नहीं, आई सेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, अगले लाइन में फिर लिखेंगे थैंकिंग यू फुल स्टॉप योर फैथफुल्ली एक्स वाई जेड, और कुछ नहीं लिखना रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, लेटर। और ये आप इतने करने से 25 नंबर मिल जाएगा, तो 25 नंबर ही हो गया अब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करो, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। क्या करना है, ये सब्जेक्ट बदल जाएगा, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो क्या करना, कि अगर मान लो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो इसको हटा करके इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, और जहाँ जहाँ वाटर लिखे हो वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिख देना बस। ठीक है, नहीं आएगा तब हाँ दांत न दिखाओ, तो वह करना, अगर बदल देगा तो गलत हो गया, कहानी ख़त्म हो जाएगा, एको नंबर नहीं पाएगा तब। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे वाटर सप्लाई लिखा है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई लिखा है इधर भी कहीं लिखे हैं, यहाँ पे भी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो केवल सब्जेक्ट को चेंज करना है और बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस करने, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। ये क्या है, एडिटर को पत्र, लेटर टू द एडिटर, 10 नंबर का ही है, फिक्स है, ये जान लो आया है, अभी कौन जिला में आया है हमको नहीं पता, लेकिन ये आया है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, देख लो थोड़ा सा, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक आ गया, दिख रहा है ना साफ अक्षरिया, रुक जाओ हमको देखने दो, हाँ अक्षर साफ दिख रहा है, हाई नहीं दिखा रहा था, इसे होशियार लड़के हैं। चलो बाबू ये देख लो सब, ठीक, किसी को कोई डाउट न हो, एकदम साफ दिख रहा है, जूम करके देख लेना, थोड़ा बहुत कष्ट झेल लेना, लेकिन ये जान लो अगर ये लिख दिए तो तुम्हारा 10 नंबर फिक्स है, ये लिख देना बस। जिसको कुछ नहीं आ रहा उसके लिए तो क्या कह सकते हैं उसको, रामबाण है, ब्रह्मबाण है, ठीक है, रामबाण का काम करेगा ही, 10 नंबर में 5-7 नंबर 8 नंबर तो पा ही जाओगे, और अगर यही आ गया तब तो 10 में 10 धैला है तुम्हारा। ठीक, ये हो गया, अब इसको रहने दो, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, लिख लेना, ठीक है, रख सीधा कर दो अब। ठीक, अब ये हो गया, दिख रहा है ना साफ एकदम, हाँ तब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अरे बाबू अभी इसको अपलोड भी करना होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, देख ले 10 वाले लाभ उठा पाएंगे इसका, है ना। अब इसको ध्यान से देखो,
क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन आंसर व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हूज, यही सबसे शुरू होता है। व्हाट से जब पूछेगा तो या तो सब्जेक्ट पूछेगा, या तो ऑब्जेक्ट पूछेगा, या फिर कभी कभी वर्ब पूछ लेता है। वेयर माने वो प्लेस पूछेगा, कहाँ, हाउ माने वो रीजन पूछेगा कैसे, व्हाई माने भी, हाउ माने मैनर पूछता है कैसे, ठीक है, मैनर माने तरीका, ठीक है, व्हाई माने रीजन, रीजन माने कारण क्यों, व्हेन माने कब, ये टाइम पूछता है तो टाइम लिख देना, हु माने सब्जेक्ट पूछता है, हुज माने पोजेशन पूछता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, शुरू में। ऑब्जेक्ट पूछेगा तो कहाँ रहेगा, वर्ब के बाद। प्लेस पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, या टाइम पूछ रहा है, तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मैनर, ठीक है, मैनर के बाद क्या आता है, प्लेस, और प्लेस के बाद क्या आता है, टाइम। ये तो हो गया, टेंस दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है लेकिन ज़्यादा टेढ़ा हो गया। मैनर, प्लेस, टाइम। अब ये रीज़न वाला जो है, जैसे वाई पूछ लिया तो इसको बिकॉज लगा के जोड़ देंगे, बिकॉज प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिकॉज प्लस कारण लिखते हैं, बिकॉज के बाद क्या लिख देंगे, वो कारण लिखेंगे, और कारण में सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका हम बताए हैं, ठीक है, एक पूरा 47 मिनट का वीडियो है, 47 मिनट का वीडियो है, ठीक है, उसको आप लोग बाबू देख लेना तो बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन आंसर, एक चीज़, लॉन्ग आंसर लिखना है, मान लो लॉन्ग आंसर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये 14 नंबर का ही आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, लॉन्ग आंसर लिखना है, 14 नंबर का आएगा, 7-7 नंबर का दूठो आएगा। तो अगर वो पूछ लिया किसका, डगलस वाला पूछ लिया, तो क्या करेंगे, डगलस का जितना हमको याद है पूरा पठवे छाप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पठवा पढ़ लेना एक बार हिंदी में, ठीक है, और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, पाठ का ही कोई प्रश्न पूछा है किसी भी पाठ से, जिस पाठ का पूछा है उस पाठ का कोई भी प्रश्न अगर याद है, कुछ याद है, एको अक्षर चरियो अक्षर याद है, तो उसी से शुरू कर देना, नीचे तू कुछ लिख रहे हो उसे मतलब नहीं, शुरुआत में वो शब्द रहना चाहिए और वही शब्द बार बार आना चाहिए, कई बार आना चाहिए, उसके जगह पे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रश्न कोई भी पूछे, आप पाठ की कहानी लिख देना, प्रश्न मान लो डगलस पूछ रहा है तो हमको क्या कर देना है, पाठ की कहानी लिख देना है, कब, जब नहीं आएगा तब, ठीक। अगर ट्रिकी वाला पूछ रहा है, ये तो 10 में है तो ट्रिकी वाली कहानी लिख देना, ठीक है, मटिल्डा का पूछ रहा है तो मटिल्डा की कहानी लिख देना, ठीक, हरी सिंह वाला है तो हरी सिंह की कहानी लिख देना, ये लॉन्ग आंसर के लिए है, कब, जब हमें क्वेश्चन वोश्चन कुछ समझ में नहीं आए तब, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री कुछ भी, जो भी नहीं आ रहा तो हमको उस पाठ की कहानी तो याद होगी, वो कहानी लिख देना। अब डगलस हो गया, चार्ली हो गया, ठीक है, उसके बाद सदाओ वाला हो गया, एनिमी वाले चैप्टर से, फिर हो गया लैम, मिस्टर लैम वाला, लंगड़ा जो रहता है, ठीक है, उसके बाद डगलस हो गया, रैट ट्रैप वाले में से हो गया, रैट ट्रैप, इसमें से वो कहानी लिख देना, ठीक है, और उसका पहला चैप्टर में है लास्ट स्प्रिंग, मुकेश नाम है एक लड़के का एक कहानी में, ठीक है, मुकेश में बड़ा सा रहता ना, मुकेश, और एक का नाम है, नमो नहीं याद आ रहा है अभी, एक का नाम मुकेश हो गया, एक का नाम हो गया साहेब आलम या साहेब ही रहता है, साहेब ही खाली रहता है,
तो ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं, मुकेश और साहेब। ठीक, एक का नाम है फ्रेंज, FRANZ, ठीक है। तो जिस प्रश्न का मतलब जिस चैप्टर का, अगर फ्रेंज वाला पूछ रहा है तो फ्रेंज की कहानी लिख देना, मुकेश या साहेब वाला पूछ रहा है तो मुकेश या साहेब की कहानी लिख देना। मुकेश चुड़ियारा था, साहेब रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला, रैट ट्रैप में चूहेदानी बेचता था, मिस्टर लैम में लंगड़ा था, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर था लेकिन उसके गार्डन थे, डगलस वाले में वो पानी से डराता था, तैरना नहीं जानता था लेकिन बाद में सीख लेता है, तैरता भी है, जैसे ट्रिकी वाला है तो ट्रिकी में जानबे करते हो, लाल चीता खूब ढेर कुल्ले दबा खाता था, मटिल्डा वाले में सुंदरी थी बवाल की लेकिन गरीबे घरे पैदा हो गई थी, इसको लगता था कि मेरे जितनी सुंदर लोग गरीबे घरे पैदा नहीं होते हैं, मतलब गरीब घर नहीं पैदा हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। चार्ली, चार्ली में क्या है, चार्ली क्या करता है, वो थर्ड लेवल वाले में है कि चार्ली गलती से थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ से वो 20 साल पहले समय में लेके चले जाते हैं, ट्रेन वहाँ चलता था। सदाओ में क्या है, बहुत ही फेमस डॉक्टर होता है जापान का, जो अमेरिका से आए हुए किसी वार प्रिजनर को क्या कर लेता है, बचा लेता है, कैसे बचाता है, क्या क्या होता है, उसको हमको पढ़ना है, पढ़ लिए, कोई भी चीज़ पूछे किसी भी चैप्टर का, उस चैप्टर की कहानी लिख देना, किसमें, लॉन्ग आंसर में, 14 नंबर ये हो जाएगा बाबू। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मेहनत करना, ये डराना उराना नहीं, देखो प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जिसको तुम अटेम्प्ट ना करो, ठीक, कुछ भी आ रहा दिख रहा है ना, दिख तो रहा है जी साहब साहब, एक भी क्वेश्चन ऐसा न हो जिसको तुम छुओ न, बिना क्वेश्चन को टच किए छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, क्या कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं, तो पूरा प्रश्न हल करना है, एक भी क्वेश्चन मत, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी, ठीक, जितना आएगा बाबू उतना लिख देना तुम, एक प्रश्न मत छोड़ना, पेज भरा रहेगा, नंबर अपने आप मिलेगा, बस ये जान लेना, नंबर तो मिलेगा ही, नंबर कहाँ जाएगा, तो क्वेश्चन मत छोड़ना, ये हमारे सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि क्वेश्चन न छोड़ें और जितना हो सके, ठीक है, सब, अगर नहीं आ रहा चैप्टर याद है, कहानी याद है, तो कहानियाँ लिख दोगे तब वो चल जाएगा, अनसीन पैसेज में क्या है, जहाँ से पूछा है अगर प्रश्न का शब्द वहाँ दिख गया, वह पैराग्राफ वह सेंटेंस हुआ, पूरा का पूरा सेंटेंस उतार के लिख देना, कब, ये हम तब के लिए है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आ रहा है, ये जिनको आ रहा है वो क्या करेंगे ये सब ट्रिक लेकर के, लेकिन उनके लिए भी एक चीज़ है, जिनको आ रहा है उनके लिए भी है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लॉन्ग आंसर वगैरह, ठीक है, एस्से वगैरह नहीं आ रहा है, अगर एस्से नहीं लिखने आ रहा है तो अगर पूछ लिया फार्मर पे, तो तू अपना बता दो कि हम किसान हैं, हमारे पिताजी एक किसान है, लिख सकते हो, सबके दादा एक किसान है, तो हमारे पिताजी किसान हैं, हेमन है सुबह में जागते हैं, जाके खेत कोड़ते हैं, हई करते हैं, पानी चलाना रहता है, हई करना रहता है, वो करना रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा लिख सकते हो कि भारत में 50-60% आबादी किसान हैं, सब किसानी पे जीते हैं, ठीक है, तो तुम देखबे कर रहे हो, पर्यावरण पे आ गया तो पर्यावरण के बारे में तो जानबे कर रहे हो, दुनिया भर के पर्यावरण प्रदूषण, पॉपुलेशन तो आबादी देख ही रहे हो कितना नीक है, महामारी कोरोना वाला आ जाएगा उप छाप देना, राम मंदिर वाला आ जाएगा, कोई विजिट टू अव टेम्पल, ठीक है, या विजिट टू ए होली प्लेस, वो छाप सकते हो आराम से, राम मंदिर वाला पूरा, कब वो अयोध्या जी गई है हो गए, वही वाला छाप देना कि अयोध्या जी में गए क्या क्या देखे, तो वो पूरा का पूरा वही लिख सकते हो, जो तुम देखे, जो तुमने देखा है उसी को तुम पूरा ट्रांसलेट करके लिख देना बाबू, ये हो जाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे ना, तो जैसे मैसेज करते हैं ना कि जब मैं वहाँ गया तो क्या लिखे, जब, है ना, ऐसे छोटा लेटर में, जब मैं वहाँ, ऐसा ट्रांसलेट करके जो चैटिंग करते हो, जब तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा तो जैसे चैट चैट करते हैं ना, बात करते हैं मैसेज वैसेज पे, वैसे लिख देना अंग्रेजी में, हाँ और कहाँ, तो यही मेरे का छाप देना, ठीक, तो ये हो गया वीडियो बाबू, धन्यवाद, पूरा वीडियो देख लेना, आराम से समझ लेना, जैसे जैसे क्या करना है, चैटिंग वाला भी देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग करना, ठीक है, चलो हो गया बहुत बड़ा।